गाइस, आज हम आ गए न्यू वीडियो में। तो न्यू वीडियो निकल तो आज बन रहा है धोखा, क्योंकि ये सबको धोखा देते हैं इसलिए इसका नाम भी धोखा है। तो इधर देखिए, तो अभी एक कढ़ाई लिया गया है, और इधर में तेल डाल दिया गया है। तो इधर तेल डालकर धोखा देने वाली रेसिपी को अब डाल दिया गया है इधर। तो अभी धोखा को जो होता है उसको अभी यहाँ पर थोड़ा सा तेल से फ्राई कर दिया जा रहा है। तो अभी धोखा को भी अच्छे से फ्राई कर दिया जा रहा है, एकदम सूखा भी नहीं, एकदम उतना भी नहीं, थोड़ा सा सूखा है, बहुत सूखा ही है। तो इधर धोखा को अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर इसके बाद तो देखिए, अगर आपको कोई वर्ड जाए पानी का तो हाँ, मैं तो मम्मी से पूछ रही थी पानी डाला गया है कि नहीं, क्योंकि मैं तब अभी थोड़े वॉइस देने में थोड़ा गड़बड़ी करती हूँ इसलिए। तो इधर धोखा को इधर डाल दिया गया है प्लेट जैसा कुछ में, और इधर सर्व कर दिया गया। और इसको एक मम्मी शेप देना चाह रही है, लेकिन गलम है तो शेप नहीं दिया जाएगा इजीली। तो इधर आलू का फ्राई कर दिया जा रहा है। आलू में नमक हल्दी डालकर तो इधर आलू में हल्दी नमक डालकर फ्राई कर देती हूँ। तो इधर धोखा, क्योंकि हमारे पास चाकू नहीं था तो हमने चम्मच से यहाँ से दिया। तो इधर एक अच्छे सा अच्छा सा शेप डाल दिया गया है, कोयर रेक्टेंगल जो भी बोलो। तो इधर देखिए, ये अच्छे से शेप दिया जा रहा है इसमें। तो ये काजू कतली वाला शेप दिया जा रहा है इसमें। तो इधर देखिए, तो इधर चम्मच है तो उतना अच्छे से नहीं हो रहा, बट चाकू होने से अच्छे से परफेक्ट होता है।
तो इधर देखिए एक शेप डाल दिया गया है, थोड़ा सा टूट जाता है ये अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो तो, ये ज़्यादा कड़क हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट होने का। तो इधर आलू डाल दिया गया है एक गमले में थोड़ा सा आलू को फ्राई कर दिया गया है। आलू अभी ब्राउन हो चुके हैं, फुल ब्राउन नहीं, थोड़े से ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इधर धोखा को जो कि धोखा देते हैं हर इंसान को, तो इधर इसको फ्राई कर लिया जा रहा है। तो इधर सूखी मिर्ची और पंचफूरन मिर्ची इधर अच्छे से आलू को फिर से एक बार फ्राई कर दिया जा रहा है, मतलब तो अगर आपको रोज ऐसे न्यू न्यू वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, स्पेशली सब्सक्राइब। तो इधर हल्दी थोड़ा सा डाला गया है, हल्दी और थोड़ा सा पानी डाला गया था हल्दी डालने के पहले। तो इधर नमक और जीरा डाल दिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल है बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये बहुत ही टेस्टी होगा, किसी भी दिन चल जाता है, चाहे वो नॉन वेज हो या वेज हो उस दिन किसी भी दिन। तो अभी थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर कलर के लिए डाल दिया गया है, कलर के लिए नहीं थोड़ा सा टेस्ट के लिए भी। तो अभी इन सबको मसालों को एक बार सौटे कर दिया जाएगा, मतलब हिलाना मिक्स कर दिया जाएगा। तो अभी इनको ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इधर देखिए ये सब मिक्स कर दिया गया है। तो इधर देखिए ये कुछ ऐसा थोड़ा सा सूख गया है। तो अभी जो दो का जो फ्राई किया गया था इसके पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो इधर देखिए जैसे कि हमने बोला था धोखा भी डाल दिया गया है पूरे टाइम बॉईल होने के बाद।
इधर देखिए हो गया है हमारा रेसिपी, तो कुछ समय मैंने वो दिया गलती से, तो जो भी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसके लिए वेट करना। बाय बाय।